झालावाड़ जिले के पगारिया थाना क्षेत्र में बीती रात को अज्ञात बदमाशों ने मुख्य मार्ग पर स्थित बड़ौदा राजस्थान क्षेत्र ग्रामीण बैंक की शाखा में शटर और चैनल गेट तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात बदमाशों ने देर रात 1 बजे से 4 बजे के बीच इस घटना को अंजाम दिया, लेकिन इस दौरान मुख्य मार्ग पर पुलिस गश्त के अभाव में बदमाशों ने बेखौफ होकर इस घटना को अंजाम दिया। सहायक शाखा प्रबंधक ने बताया कि अज्ञात बदमाशों ने रात करीब 1 से 4 बजे के बीच इस वारदात को अंजाम दिया है। इस दौरान उन्होंने शटर और चैनल गेट का ताला तोड़ा और उसे खोलने का प्रयास किया और वे सफल भी हो गए। वहीं अन्य दस्तावेजों की जांच के बाद पता चल सकेगा कि उन्हें नुकसान हुआ कि नहीं। तड़के ग्रामीणों की सूचना पर बैंक कर्मी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। वहीं इस दौरान अज्ञात बदमाशों ने अन्य 3 जगहों पर भी चोरी की वारदात की, जहाँ से वे घरेलू सामान ले जाने में सफल रहे। इस दौरान चोरों ने पुलिस को भी नहीं बख्शा। जी हाँ, बैंक के निकट ही रह रहे कांस्टेबल के घर पर भी चोरों ने हाथ साफ कर दिया। जानकारी के अनुसार कांस्टेबल इस दौरान परिवार सहित शादी समारोह में गया हुआ था। इधर पुलिस के घर में भी चोरी की वारदात से लोगों में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। टाइमेट राजस्थान के लिए झालावाड़ से सुनील निगम की रिपोर्ट। मैं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइमेट राजस्थान। टाइमेट राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हमें इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का। झालावाड़ जिले के पगारिया थाना क्षेत्र में बीती रात को अज्ञात बदमाशों ने मुख्य मार्ग पर स्थित बड़ौदा राजस्थान क्षेत्र ग्रामीण बैंक की शाखा में शटर और चैनल गेट तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात बदमाशों ने देर रात 1 बजे से 4 बजे के बीच इस घटना को अंजाम दिया, लेकिन इस दौरान मुख्य मार्ग पर पुलिस गश्त के अभाव में बदमाशों ने बेखौफ होकर इस घटना को अंजाम दिया। सहायक शाखा प्रबंधक ने बताया कि अज्ञात बदमाशों ने रात करीब 1 से 4 बजे के बीच इस वारदात को अंजाम दिया है। इस दौरान उन्होंने शटर और चैनल गेट का ताला तोड़ा और उसे खोलने का प्रयास किया और वे सफल भी हो गए। वहीं अन्य दस्तावेजों की जांच के बाद पता चल सकेगा कि उन्हें नुकसान हुआ कि नहीं। तड़के ग्रामीणों की सूचना पर बैंक कर्मी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। वहीं इस दौरान अज्ञात बदमाशों ने अन्य 3 जगहों पर भी चोरी की वारदात की, जहाँ से वे घरेलू सामान ले जाने में सफल रहे। इस दौरान चोरों ने पुलिस को भी नहीं बख्शा। जी हाँ, बैंक के निकट ही रह रहे कांस्टेबल के घर पर भी चोरों ने हाथ साफ कर दिया। जानकारी के अनुसार कांस्टेबल इस दौरान परिवार सहित शादी समारोह में गया हुआ था। इधर पुलिस के घर में भी चोरी की वारदात से लोगों में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। टाइमेट राजस्थान के लिए झालावाड़ से सुनील निगम की रिपोर्ट। मैं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइमेट राजस्थान। टाइमेट राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हमें इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का।